एक 28 साल की विधवा महिला जब उसका पति इस दुनिया से चला गया तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर उसने अपने मोहल्ले में ही रहने वाले एक 14 साल के लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर उसके साथ नाजायज रिश्ते स्थापित करने लगी। विधवा औरत कई महीनों तक उस नाबालिग प्रेमी के साथ संबंध बनाती रही, लेकिन एक दिन संबंध बनाते वक्त उस नाबालिग लड़के की मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों ASN क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों ये घटना मेरठ के एक छोटे से गांव से सामने आई है। जब इस मामले की पूरी तरह से छानबीन हुई तो पता चला कि उस विधवा महिला की शादी उसी के जिले में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद महिला 3 बच्चों की माँ भी बनी, लेकिन उसके बाद उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वो महिला अपने बच्चों को लेकर मेरठ के एक शहर में किराए के मकान में रहने लगी थी। इसी दौरान 28 वर्षीय उस विधवा महिला की मुलाकात मोहल्ले में रहने वाले एक 14 वर्षीय लड़के से हुई। महिला उसके पति को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसकी जवानी में आग लग रही थी। उसने उस लड़के को किसी न किसी बहाने से अपने घर बुलाने लगी और उसके ऊपर अपने प्यार का जाल बिछाने लगी। और जब उस महिला ने उस नाबालिग लड़के के ऊपर अपने प्रेम जाल को बिछा लिया और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया तो फिर उसके साथ सारे संबंध बनाने लगी और अपनी धड़कती जवानी की आग बुझाने लगी। दोस्तों महिला तो बेहद जवान थी, लेकिन वो लड़का अभी बच्चा ही था और जब महिला उस लड़के के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती थी तो वो लड़का संबंध स्थापित नहीं कर पाता था और उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उस महिला ने उस लड़के को अपने साथ सोने में एकदम ट्रेन कर लिया था और फिर उसके साथ कई महीनों तक अपनी जवानी की प्यास को बुझाती रही। दोस्तों कम उम्र में ही लगातार शारीरिक संबंध बनाने की वजह से उस लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, जब विधवा महिला उस नाबालिग प्रेमी के साथ अपने ही घर में शारीरिक संबंध बना रही थी तभी अचानक संबंध बनाते वक्त उस लड़के की मौत हो गई। दोस्तों जब उस लड़के की मौत हो गई तो विधवा औरत डर गई और फिर उसने आधी रात को ही उस लड़के की लाश को पास में बने एक रेलवे ट्रैक पर जाकर फेंक दिया। जब सुबह हुई तो सुबह होने से पहले ही वो महिला वहां से अपना घर छोड़कर फरार हो गई और अपने गांव में चली गई और वहां जाकर रहने लगी। दोस्तों जब 2 दिनों तक उस लड़के का कोई अता पता नहीं चला तो उसके परिवार वालों ने अपने बेटे को गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया और 3 दिन बाद उस लड़के की लाश रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई। जब पुलिस ने लड़के की माता पिता से पूछताछ की और जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा पड़ोस में रहने वाली एक विधवा औरत के घर अक्सर आता जाता रहता था। वो औरत जब भी उसका कोई काम होता था अपने घर बुला लेती थी। मेरा लड़का उसी का काम करता रहता था और 3 दिन से वो महिला अपना घर छोड़कर यहाँ से गायब है। दोस्तों पुलिस उस महिला की तलाश करने लगती है और आखिरकार पुलिस उस महिला के गांव पहुंच जाती है और फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है। पहले तो महिला बताती है मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उस महिला से पूछताछ करती है तो महिला पुलिस की डर के मारे सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है और अपने नाजायज रिश्ते के बारे में भी पुलिस वालों के सामने पूरी पोल खोल देती है। उसके बाद पुलिस वाले उस विधवा महिला को हिरासत में लेते हैं और उस लड़के की जिंदगी को बर्बाद करने और उसकी जान लेने के जुर्म में आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल देते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, एक विधवा महिला जो 28 साल की थी और अपने से आधे उम्र के एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और अपनी जवानी की आग बुझाने लगती है। और दोस्तों कम उम्र होने की वजह से लगातार शारीरिक संबंध बनाने की वजह से एक दिन उस लड़के की मौत हो जाती है और उसके बाद वो महिला वहां से फरार हो जाती है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से एक महिला ने एक नाबालिग लड़के की जान ले ली। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसी महिलाओं से दूर रहें, ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।